हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो एक नया अपेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आ गया है। सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका अपेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका TIFR की तरफ से निकाला गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है और आईटीआई के अच्छे ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें अच्छे अच्छे ट्रेड को कवर किया गया है। तो चलिए देखेंगे फुल नोटिफिकेशन में कि इसका क्या प्रोसेस है, आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी रहता है, ये क्वेश्चन रहता है, ये डाउट रहता है कि सर नोटिफिकेशन तो हमें पता चल जाता है पर कैसे अप्लाई करना है ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ जाकर फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद वगैरह आपको क्या करना है। और सबसे पहले जान लीजिए कि आपका डायरेक्ट भर्ती है, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का फॉर्म फीस प्रोसेसिंग फीस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भर्ती है। कैसे अप्लाई करना है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप कर देने पे आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलता है, फिर आप बोलते हो कि सर कैसे अप्लाई करना है ये समझ में नहीं आया। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप जरूर समझने की कोशिश करिए। जो लोग समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझने का कोशिश करिए कि कहाँ से जाके कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप हर करके दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। हालांकि ये ग्रुप फुल हो गया है तो आप ग्रुप टू में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपस में अपने क्वेरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए सीधे चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मूलभूत संस्था अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि टाटा का अलग ही एक अपना वो ब्रांड है, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय वाली तो बात नहीं है। अगर आप हो सके, आप अगर एलिजिबल हो, क्राइटेरिया अनुसार आपके बैठे, तो आप जरूर से जरूर इसके लिए अप्लाई करिएगा। पहला आपका है होमी भाभा रोड कुलमा मुंबई, यहाँ पे आपका जो है सारा आपका ट्रेनिंग वगैरह प्रोसेस यहाँ पे कराया जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर वगैरह दिया हुआ है और इसका ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बात करें आपका एडवर्टाइजमेंट का, तो 2022 का 15वां है आपका। देखिए नंबर ऑफ अपेंडिस का बात करें तो टोटल 9 अपेंडिसशिप है। देखिए कम नंबर को देख के घबराना नहीं है, बहुत कुछ सोचते हैं कि 4-5 अपेंडिस है, 20-30 है, 50 है, इतना में तो क्या होगा, ऐसा ही सोच के बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अपेंडिसशिप का जो सीट है वो खाली रह जाता है। नौ अपेंडिसशिप देखें ना आप लोग, बहुत कोई तो इतना ही में छोड़ दिए होंगे, 9 अपेंडिसशिप हमारा तो होगा नहीं। आपको अगर आप सोचे हो कि आपको अपेंडिसशिप करना है तो आपको कोई भी फॉर्म हो, खासकर टाटा वगैरह से रिलेटेड, बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियों से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, तो वैकेंसी आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं लग रहा, कोई एग्जाम नहीं लग रहा। बाकी अगर आपको अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉक इन सेक्शन ऑन थर्सडे सितंबर 15, 2022 फ्रॉम 9 AM ऑन वार्ड, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 12 नून। देखिए आपको सीधे इसके सेंटर पर विजिट करना है। कब करना है यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको बताया गया है सारा कुछ, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि 15 सितंबर को, 15 सितंबर दिन आपका बृहस्पतिवार होगा और आपको 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है। 12 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कीमत पे एंट्री वहाँ पे गेट पे नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट सेलेक्शन है आपका। सोचिए टाटा का भी डायरेक्ट सेलेक्शन होने लगा है अपेंटिसशिप के रिगार्डिंग, तो कब जाना है और कहाँ जाना है वो भी देख लेंगे। आपको 15 सितंबर को जाना है, दिन बृहस्पतिवार है और सुबह 9 बजे तक आपको एंट्री ले लेना है, 12 बजे के बाद आपको किसी भी कीमत पे गेट पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड मैन ट्रेनी, ठीक है, ट्रेड अपेंडिसशिप अंडर द अपेंडिसशिप एक्ट 1961। और बात करते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए कि वॉल्क इन सेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ ट्रेडमैन ट्रेनी ट्रेड अपेंडिसशिप अंडर द अपेंडिसशिप एक्ट 1961 एंड अपेंडिसशिप टू 1961 इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, दिस सेलेक्शन इज ओनली अपेंडिसशिप ट्रेनिंग इज अंडर ऑन स्टाइपेंड बेसिस। आपको स्टाइपेंड बेसिस पे आपका अपेंडिसशिप का ट्रेनिंग होगा, सिंपल यहाँ पे सारा कुछ पहले बता दिया गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो देख लीजिए। तो टोटल बात करेंगे तो टोटल आपको 7 ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। कौन कौन से वो ट्रेड है वो आप देख लीजिए। सबसे पहला नंबर पे आता है टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और बात करें यहाँ पे फिटर और उसके बाद पेंटर, ये सारे का 9 सीट है। टोटल वैकेंसी में 9 सीट रिलीज किया गया है, ठीक है। और अगर बात करें
एज एज आप देख लीजिए 28 साल से आपका कम एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो ITI होना चाहिए आपका, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब NTC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेटेड ऑफ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स, उससे कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अवार्डेड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT इन द ट्रेड ऑफ टर्नर। अब जिस भी ट्रेड से अप्लाई करोगे उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं वो NCVT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉट SCVT। SCVT वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका NCVT वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको अप्लाई करते टाइम रखना है। अगर आप SCVT से ITI किए हैं तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है, और अगर आप NCVT से किए हैं तो आप इसके लिए जरूर से जरूर एलिजिबल है। आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई करोगे उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ही बताया गया है आपको। चलिए नेक्स्ट स्क्रॉल करके देखते हैं कि ट्रेनिंग आपका ट्रेनिंग प्लेस कहाँ होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप, अपेंडिसशिप बोल सकते हैं, और आपको अपेंडिसशिप के दौरान स्टाइपेंड कितना जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट वगैरह देख लीजिए, एज बिलो 28 साल से कम होना चाहिए, जिसका काउंट आपका 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। और आपका ट्रेनिंग का पीरियड कितना होगा वो देख लीजिए, एज पर दी गाइडलाइन ऑफ अपेंडिसशिप रूल एंड अडेडमेंट रूल, जो भी रूल रेगुलेशन के अनुसार आपका ट्रेनिंग का पीरियड रखा जाएगा। आपको स्टाइपेंड अमाउंट कितना दिया जाएगा वो देख लीजिए, 12,500 रुपये पर मंथ के रूप में दिया जाएगा, जो अभी तक का बहुत ज़्यादा है। रेलवे में आपको कितना देखने को मिलता है, 7,000, 8,000, 8,500, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 9,000, इससे ज़्यादा नहीं, पर इसमें आपको 12,500 रुपये देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि अपेंडिसशिप रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ से आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो आप सही से जरूर समझिएगा। देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन दी अपेंडिसशिप पोर्टल, आपको सबसे पहले NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि इसमें से 90-95% कैंडिडेट ऑलरेडी NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, पर जो लोग नहीं किए हैं सबसे पहले उनको NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो हो सके इस साल पास होंगे, जो नए कैंडिडेट हैं नहीं कर पाए होंगे अभी, सबसे पहले उनको NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सही से अटैच करना है, सारा डेटा फुलफिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड बीइंग कंफर्म ईमेल एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर वॉक इन सेलेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड टू नोट दैट डिटेल्स वाइज नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर etc. टिल योर कंप्लीट योर अपेंडिसशिप, ठीक है। आपको अपेंडिसशिप पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल को अपना कंप्लीट कर लेना है, एंड कंफर्म ईमेल वहां से आपको जब आ जाएगा तो आप उसमें अपना कंफर्म ईमेल देखिए क्या क्या नोट करना है, नाम ने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर etc. आपको टिल योर कंप्लीट योर अपेंडिसशिप, तब आपको जब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड ऑन TIFR वेबसाइट, दैट इज आपको इसके ऑफिशियल साइट पे जाके इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, जो लोग NAPS पे अप्लाई कर लिए हैं उनको नहीं करना है, जो लोग नहीं किए उनको करना है। सबसे पहले NAPS पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, NAPS पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको TIFR की ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। कोई फीस नहीं लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका मार्क्स के आधार पे होगा, कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए फिर भी सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द मेरिट ITI मार्क्स एलिजिबल रजिस्टर्ड एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बींग दी बिलो मेंटेन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग इन वॉक इन सेलेक्शन। आपको टाइम के अनुसार जब आप जाओगे वहाँ पे वॉक इन सेलेक्शन में, मतलब वॉक इन इंटरव्यू आप बोल सकते हो, वहाँ पे जब आप जाओगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का बात करें तो ITI का जितना आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा उतना आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ेगा। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, तो सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ विच रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं TIFR के ऑफिशियल साइट पर जाके, और साथ में आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। अगर उसके बाद बात करें तो कॉपी ऑफ अपेंडिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन कन्फर्म ईमेल, जो आपको वहाँ से कन्फर्म ईमेल आएगा उसका आपको प्रिंट करा के उसको लेकर जाना है,
तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए, आइडेंटिफाई प्रूफ, जैसे आधार कार्ड और उसके बाद आपका पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी में से कोई आपको एक लेके जाना है आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई भी लेके जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, जिसमें आपका टेंथ कार्ड का एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि उसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। उसके बाद ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लेके जाना है, NTC, और उसके बाद आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टिव पर्सन, और किसी भी 2 रिस्पेक्टिव पर्सन का आपका सर्टिफिकेट लेके चले जाना। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ देखने को मिला, और याद रखिएगा कब आपको जाना है, यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लीजिए। 15 सितंबर को आपको चले जाना है, दिन बृहस्पतिवार है, ठीक है। और आपको वहाँ पे जो जाना है 9 बजे सुबह तक पहुँच जाना है, 12 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दिया जाएगा। और बात करें कहाँ जाना है वो भी एक बार देख लीजिए, एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फर्स्ट होमी भाभा रोड, ठीक है, होमी भाभा रोड और नेवी नगर कोलाबा मुंबई, यहाँ पे आपको चले जाना है। आपको कोई भी आने जाने का खर्चा कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन के दौरान, ठीक है। और रहने खाने का जो व्यवस्था है आपको खुद से वहाँ पे करना होगा, ऑन अरेंजमेंट करना होगा खुद से। तो और बात करें तो इतना ही सारा जो इन्फॉर्मेशन था वो आज की इस वीडियो में देखे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए, क्योंकि आने वाले भर्ती का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। कुछ दिन में आपका वेस्टर्न रेलवे का जो अदर डिवीजन बच गया है उसका भी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न रेलवे का कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा कुछ दिन में। और बात करें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो बचा हुआ डिवीजन है उसका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।